स्वास्थ्य ट्रस्ट के जरिए तमाम रूबरू के प्रोग्राम में हम हाजिर हैं पटना यूनिवर्सिटी के सबक सबसे बहुदू प्रोफेसर इसराइल रजा साहब के साथ। सर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे आप अपने ताल्लुक से कुछ बात बताएं हमारे नाजरिक को, किस बात के साथ उनके बारे में कुछ बताएँ ज़िंदगी के बारे में। ज़िंदगी के बारे में ये है कि ये समझिए कि इंसान को कभी एहसास करना नहीं होना चाहिए, मेहनत करें मेहनत का फल मिलता है, मेहनत का कभी रागा नहीं जाती है और मेहनत के बदौलत आप ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी पूरा था। लेकिन जिस तरह से इब्तदाई तालीम हमारे बच्चों की होनी चाहिए, जब तक ये बुनियादी सतह बच्चों की तालीम को उर्दू की तालीम को मजबूत नहीं बनाया उर्दू आगे नहीं पढ़ा। अभी जो उर्दू की सूरत है उसमें यह है कि जो लोग पहले से पढ़े लिखे हैं वो है, वो किताबें भी लिख रहे हैं, तसनीफात भी आ रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो हम तसनीफात पढ़ने वाला आगे की नस्ल नई नस्ल हमारे उसके लिए तैयार है। हम देखते हैं कि इंटर की सतह पर तो छोड़िए बीए और एमए के लेवल पर भी जो उर्दू में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी उर्दू वो मैयारी नहीं होती जो होना चाहिए। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि बुनियादी सतह पर मैट्रिक सतह पर उर्दू की तरफ तभी तो उर्दू को और आगे बुनियादी तौर पे उर्दू के नफाज के लिए अमली तौर पे काम करना होगा। संजय साहब ने कहा अभी मौजूदा सूरत हाल में वो हुकूमत है यहाँ बिहार में तो वो कैसा काम कर रही है? देखिए हुकूमत की जो पॉलिसी है हुकूमत महदूद पैमाने पर ये कर रहा है, हुकूमत के सामने बहुत सारे वसायल होते हैं, बहुत सारे मसायल होते हैं, लेकिन उर्दू तहरीक को ज़िंदा करना हम लोगों की अपनी जिम्मेदारी है। अगर हम खुद उसका आलम बुलंद नहीं करेंगे तो फिर दूसरे में जब आप आलम लेकर के आगे चलेंगे तो फिर लोग साथ आते जाएंगे और काम होंगे। इसलिए बुनियादी तौर पर उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए उर्दू को फ़रोग के लिए ज़रूरत है, पहले यहाँ से होनी चाहिए, फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो बड़ी हुकूमत की बात। आप सब नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में हैं तो वहाँ कौन कौन से कोर्स आप अंदर आते हैं और क्या उसमें एडमिशन लेने के लिए तो क्या मदरसा बोर्ड की डिग्री है वो वहाँ वैलिड रहेगी? हाँ, चूँकि बिहार गवर्नमेंट की तरफ से मदरसा बोर्ड की डिग्री, इसलिए वो जो मदरसा बोर्ड से डिग्री है उसकी जो इक्विवेलेंट है ग्रेजुएशन का, वो हमारे यहाँ वो इंटर से होता है। तो इंटर की बुनियाद पर जो मदरसे जो है मैट्रिक का मसावी जो डिग्री उसकी बुनियाद पर इंटर में होता है, फिर मदरसे की जो बुनियाद जो है ग्रेजुएशन वाला मदरसे की वो मसावी जो डिग्री एम ए का एडमिशन उर्दू के फरोग के हवाले से जो उर्दू के फरोग के हवाले से जो रियासत की तंजीमें कायम की गई हैं मतलब उर्दू अकेडमी और बिहार अंजुमन तरक्की ये किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए अपने मसाइल के हिसाब से वो लोग सरगर्म हैं लेकिन उसमें मजीद सरगर्मी लगे बिहार उर्दू अकेडमी अच्छा काम कर रही है। उर्दू फिर उर्दू डायरेक्टरेट भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये है कि और जो दिगर तकनीक हैं उनको भी अपने वसाइल मतहरिक देता सरगर्मी अंजाम देते रहना चाहिए। जैसे इस सिलसिले में हम ख़ासतौर से मंसूर अली को ये ले रहे हैं, ये अपने तौर पर इनको तो कोई सरकारी इमदाद नहीं मिलती लेकिन अपने तौर पर करना है तो ये मसाले राह हो सकते हैं इनके नक्श कदम पर चल कर करके बिहार में उर्दू आबादी को और उर्दू तंजीमों को सरकारी इदारे पर कब तक इनका कर सरकारी इदारे वो सरकारी इमदाद को लेकर करके हम ज़्यादा दूर तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि हम अपने आप गवर्नर साहब एक बात और जानने की बिहार में जो अभी हाल अभी इसमें अफसाना आपने लिखा था लूंगा आपने उसे मिला होगा तो उस
से क्या राय है कि इस तरह के हमारे अधीन इस तरह के अफसाने लिखने चाहिए या नहीं लिखना चाहिए या इसमें इजाफा होना चाहिए? भाई वो बहुत बड़े पत्रकार हैं, हम उस पर कोई तबसरा नहीं। ये थे प्रोफेसर इसरा लोया साहब, रूबरू के तहत हम आज उनसे बातचीत कर रहे थे। हम फिर अगले प्रोग्राम में फिर किसी इतने पत्रकार के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।